अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं नहरी मसाला। नहरी मसाला बनाने के लिए ये हमारे पास तमाम इंग्रेडिएंट मौजूद हैं, तो फटाफट से हम आपको ये एक जार लेते हैं। इसमें हम अपने मसाले डालते जाएंगे, आपको दिखाते जाएंगे, उससे आपका वक्त बचेगा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डाल देते हैं ये साबुत धनिया, ये 4 टेबल स्पून है, 2 टेबल स्पून सौंफ डाल देते हैं और 1 टीस्पून काली मिर्च, 10 से 12 हरी इलायची, 20 लौंग डाल देते हैं और इसमें हम डाल देते हैं 2 ये बड़ी इलायची, बड़े साइज की हो तो 2 ले लें, छोटी हो तो आप 4 भी ले सकते हैं। 1 हम इसके अंदर ये हल्दी का टुकड़ा डालेंगे, ये बहुत ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो पाउडर भी मिला सकते हैं और आप चाहें तो नहरी के मसाले में हल्दी नहीं भी डाल सकते, फिर भी हम ये एक अच्छा बड़ा सा टुकड़ा डाल देते हैं। इसके बाद ये 10 से 12 तेजपात के पत्ते हैं, बेली डाल देते हैं और इसमें हम डालते हैं सिनेमन स्टिक के टुकड़े, अच्छे बड़े बड़े 3 टुकड़े डाल देते हैं, 3 से 4 हम डाल देते हैं इसमें ये स्टार अनीस यानी के बादियान के फूल, चक्र फूल भी कहते हैं इसको, 1 टेबल स्पून जीरा डाल देते हैं और हम डालते हैं इसमें 1/2 के करीब जायफल है वो डाल देते हैं और ये जावित्री के छोटे छोटे टुकड़े हैं, 7 से 8 ग्राम कह सकते हैं वजन में। और हमारे पास ये पीपली हैं, 3 पीस हम ये पीपली के डाल देते हैं, ये नहरी में बहुत मेन काम करती है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारे पास ये सौंठ है, हमने साबुत ली है, ड्राई जिंजर कह सकते हैं इसको, जिंजर ड्राई, साबुत नहीं हो आपके पास तो आप इसका पाउडर भी ले सकते हैं, उसको बाद में मिला सकते हैं, लेकिन इसके साथ पीसने में मसाले की खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। और हमारे पास ये हैं नॉर्मल रेड चिली, ये हमने 20 ग्राम ली हैं और मेन हमारे पास है ये सूखी हुई कचरी, ये सूखी हुई कचरी हमने पहले भी अपने कई तरीके के मसाले डाले हैं। हमारे व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जब उन्हें परेशानी होती है तो हम भी परेशान हो जाते हैं। तो ये एक खीरे की या फिर खरबूजे की तरह एक फूड होता है, सब्जी होती है और इसको छील के इसको सुखाया जाता है। मुझे जैसे ही ये कच्चा मिलता है मैं आपको दिखाऊंगी और इसकी वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड करूंगी मैं, उसके बाद भी मैं दिखाती हूँ जिनको ये कचरी नहीं मिलती है। कचरी जो होती है किसी भी तरीके का मीट हो उसको बहुत जल्द गलाने में मदद करती है और नहरी हमें बहुत जल्द और बहुत ज़्यादा गलानी होती है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करते हैं। जिनको ये कचरी नहीं मिलती है वो पपीते का पाउडर ले सकते हैं, मार्केट में बड़े आराम से मिल जाता है, लेकिन जिनके नहीं मिल पाता है उसके लिए हमारे चैनल पे समीनास किचन टिप्स पे इसकी वीडियो डली हुई है, सूखे हुए पपीते का किस तरीके से पाउडर बनाएं, तो आप देखें कि आपको पाउडर मिल जाता है तो आप ये 1.5 टेबल स्पून डाल लें, नहीं मिलता है तो इस तरीके से आप पपीते के ये 20 पीस हैं इस तरीके के सूखे हुए ये इसी मसाले में डाल लें, लेकिन हमारे पास कचरी आराम से मौजूद है तो हम ये कचरी ही इसके अंदर डालेंगे। इसका टेस्ट अच्छा होता है पपीते के मुकाबले, पपीते का कोई अपना टेस्ट नहीं होता है, वैसे इसको जिस चीज़ में डाला जाए वो टेस्ट इसमें आ जाता है। तो फटाफट हम इसे पीस लेते हैं, आप चाहें तो इसको रोस्ट भी कर सकते हैं हल्का सा, लेकिन हम इसको ऐसे ही पीस रहे हैं। ये देखें हमारा मसाला पिस के तैयार है, कितना अच्छे से पिस गया है ये, लेकिन इसको हम और पीसेंगे। तो ये हमें इसमें 1 टेबल स्पून ये पेपरिका पाउडर डालना था और 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि हम मसाला बना रहे हैं 3 किलो गोश्त के लिए तो हम इसको रखने वाले हैं, इसलिए हम इसमें नमक डाल रहे हैं। आप हैंड टू हैंड बना रहे हैं तो आप नमक ना ऐड करें, हम इसको 1 मिनट के लिए फिर से घुमाते हैं। ये देखें हमारा नहरी मसाला पिस के तैयार है, का कलर देख सकते हैं और इसकी खुशबू तो आपको जब ही पता चलेगा जब आप ये बनाएंगे। जब ये नहरी मसाला आप बनाएंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे, जब आपको इसका टेस्ट मुंह लग जाएगा तो आपको बाजार का नहरी मसाला कभी भी पसंद नहीं आएगा। तो बहुत आसान है, कई इंग्रेडिएंट हैं ऐसे
जो थोड़ी सी मशक्कत हो सकती है आपको ढूंढने में, लेकिन मिल वो भी जाएंगे। तो ये इस तरीके से, हमारे तरीके से, समीनाज किचन टिप्स के तरीके से आप ये नहरी मसाला बनाएं, ज़रूर बनाएं और इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। अल्लाह हाफिज़।